हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित किस्नेहा। तो मैं फिर से नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत यूनिक चीज़ लेकर आई हूँ। एक यूनिक हेयर स्टाइल जो आप किसी भी चीज़ में आप कर सकते हो, जैसे सूट, साड़ी, जीन्स, आप किसी भी चीज़ में इस हेयर स्टाइल को कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। स्कूल, कॉलेज, स्कूल तो नहीं पर कॉलेज वगैरह में, अगर कहीं आप मार्केट जा रहे हो या फिर शादी पार्टी किसी में भी आप कर सकते हो। ये हर चीज़ में बहुत अच्छा लगेगा और एकदम हॉलीवुड टाइप का ये हेयर स्टाइल है। तो मैं आपको करके बताती हूँ और बहुत ईजी भी है, आप खुद से भी कर सकते हो। ये थोड़ा लंबे बालों में ज़्यादा बेटर लगेगा, मेरा इधर थोड़ा कट है बाल का, नहीं तो और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाता। तो मैं आपको करके बताती हूँ। तो आप पहले बाल को अच्छे से सुलझा लीजिए। बाल को पूरे अच्छे से सुलझा के दो पार्टीशन में आप बांट लीजिए इस तरह से, और पीछे से भी ऐसे दो पार्टीशन में आप बांट लीजिए इस तरह से। फिर उसे आप इधर के थोड़े थोड़े बाल लेकर आप इसे ट्विस्ट कर लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। फिर उसके बाद इधर से फिर एक थोड़ा सा बाल लीजिए, फिर इसे ऐसे कर लीजिए। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या कर रही हूँ, कोई आगे से कैसे चोटी कर सकता है, पर ये फिर इधर से हमने लिया, फिर इसे ऐसे किया, फिर इधर को ऐसे कर लिया, फिर मैं थोड़ा सा इधर से लूँगी, इधर से फिर इसे मैं ट्विस्ट कर लूँगी, फिर इधर से ट्विस्ट करूँगी, फिर इसे फिर से मैं इधर से ऐसे लूँगी, फिर इसे ट्विस्ट करूँ। बस कुछ नहीं, ट्विस्ट टर्न बस यही करना है, बहुत इजी है। फिर इधर से लूँगी, इसे कम से कम आठ से दस बार आप कर लीजिए, फिर इधर से लीजिए, फिर इधर से, फिर ऐसे कीजिए, ये देखिए, फिर इधर से लेती हूँ मैं इस तरीके से, फिर मैंने इसे ट्विस्ट किया, फिर इधर से लूँगी। ये बहुत ही ईजी और बहुत यूनिक है। तो मैंने फिर ऐसे लिया, फिर इसे ट्विस्ट करूँगी, फिर इधर से लूँगी, देखिए इस तरीके से, फिर इधर से ट्विस्ट करूँगी, फिर इधर से लूँगी इस तरीके से। कितना ईजी है ये, आपको लग रहा होगा ये मैं क्या कर रही हूँ, कहीं दाढ़ी तो नहीं बना रही हूँ, पर आप देखते रहिए, अब ये बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनने वाला है। फिर मैं ऐसे करती हूँ, फिर इधर से एक बार इधर से ले लेती हूँ, बस ऐसे कर लिया मैंने। अब फिर इधर इसको और दो तीन बार बिना लिए ऐसे नॉर्मल चोटी की तरह ऐसे बना लीजिए, ऐसे हो गया। इसे मैं अब रबर बैंड के सहारे से मैं कर लेती हूँ, एक मिनट। तो इसे मैं ऐसे रबर बैंड लगा लेती हूँ इस तरीके से, देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया। अब ये कोई ऐसे मत सोचिए कि ऐसे रहने वाला है, इसे आप अच्छे से ऐसे करके निकाल के इसे ऐसे पीछे कर लीजिए, एक मिनट। जैसे पीछे मैंने कर लिया, अब मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, ये देखिए इधर से आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ऐसे करके फिर इधर आप सारे पांव को ऐसे पीछे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, देखिए ये लग रहा है ना एकदम यूनिक हेयर स्टाइल। तो मैंने आपको हेयर स्टाइल तो बता दिया, तो मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, उसी तरह से मैं नॉर्मल तरीके से ही तैयार होती हूँ। कैसे तैयार हो रही मार्केट के लिए, आप कैसे नॉर्मल तरीके से तैयार हो सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये क्रीम लिया है, ये लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस क्रीम है, डे क्रीम है, इसे मैं लगाऊंगी। इस तरीके से
मैंने चेहरे में कुछ नहीं लगाया, बस मैंने थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाया था। देखिए मैंने क्रीम लगा लिया अच्छे से, फिर मैं थोड़ा सा ये लैक्मे का ही रोज पाउडर है, इसे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा। तो ये भी लग गया बिल्कुल। मैं 5 मिनट में आपको एकदम परफेक्ट रेडी होना बताऊंगी। तो अब मैं थोड़ा लाइनर, बस लाइनर लगाऊंगी, काजल नहीं लगाऊंगी, बस लाइनर लगाऊंगी। इस तरीके से अब ड्रॉ कर लीजिए। देखिए पतला सा मैंने ऐसे आईलाइनर इस आँख में लगा लिया। मेरा पता नहीं आईलाइनर लगाने से थोड़े आँख में आंसू आने लगता है। ये देखिए मैंने बस आईलाइनर ही लगाया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। आईलाइनर तो लग गया, अब थोड़ा सा लिपस्टिक बस मैं लगाऊंगी। तो ये रहा, अब मैं छोटी सी बिंदी लगाऊंगी बस। ये रहा मेरा बिंदी का डिब्बी। अब थोड़ा सा बाल ऐसे इसे आगे भी कर सकते हो आपकी मर्जी, या तो पीछे भी कर सकते हो। तो ये रहा मेरा मार्केट का लुक। तो आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप आसानी से 2 मिनट में, आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप इसे आप कर सकते हो। इतना तो नॉर्मल तरीके से आप तैयार भी कहीं भी जा सकते हो, तो आप ये तो कर ही सकते हो। तो मैंने अगर आपकी छोटी सी भी हेल्प की होगी आपके हेयर स्टाइल को बनाने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। अगर कोई नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से जल्दी ऐसे ही कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ जल्दी मिलूंगी। और अगर आप मेरा इंस्टा का रील्स भी देखना चाहते हो तो मैं उसका ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हो, उसमें भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से जल्दी मिलती हूँ। बाय।